इन क्लासेस का महत्व केवल इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर सर खुश हो जाते हैं, आप लोग आकर बैठ जाते हैं, ये क्लासेस आप लोग कोई नहीं रहेंगे तो भी बनेगा क्योंकि मैंने अपना 10 साल का प्लान कर रखा है। अभी आपकी मर्जी है कि आप यहाँ आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, अपने आप को कॉन्शियसली सिखाना चाहते हैं कि नहीं सिखाना चाहते। तो वो एक चीज़ जो आपको सुपर सक्सेसफुल बना सकती है वो क्या है, इसका जवाब देना चाहता हूँ मैं। ये मुझे कई साल पहले बात पता चली थी, स्कूल में कॉलेज में नहीं पता चली थी। काश मुझे मालूम पड़ गया होता तो मेरा रवैया बहुत पहले ही बदल गया होता। आप लोगों के हिसाब से वो कौन सी एक क्वालिटी है जो किसी भी इंसान को बहुत आगे ले जा सकती है या उसको ऐसे ही कहीं का नहीं छोड़ सकती है? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं अपने मन की बात नहीं बता रहा हूँ, ये जो मैंने सीखा है और उसके बाद उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया है वो बता रहा हूँ। मतलब ये नहीं कि मैंने जो भी ऐसे मन में आया एक बात बता दूँ ना। एक दिन मेरी और अनुज की बात हो रही थी इसी चीज़ को लेकर के कि वो छुट्टी चाहते थे, मैंने कहा ठीक है ले लो। फिर वो गए, फिर वापस आए और फिर उनके मुंह से एक सेंटेंस निकला जो मैं चाहता हूँ आप सबके कभी मुंह से सेंटेंस निकले तो उसको पकड़ लीजिए खट से, और वो सेंटेंस कभी भी कैजुअली मत सोचिए। अपने बारे में अगर कोई नेगेटिव थॉट आए और उसको आप यूज़ करें बताने के लिए, वो आपको ख़त्म कर सकती है। अनुज के मुंह से एक सेंटेंस निकला था, सर हमारी बुद्धि कम है, हम ठीक से सोच नहीं पाते, बोल नहीं पाते, इसलिए हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं। आपने कहा था ना, वो उन्होंने कहा था एक रिक्वेस्ट के लिए कि आप प्लीज़ मुझे समझिए, मेरी प्रॉब्लम समझिए। लेकिन मुझे उस दिन ये भी समझ में आया कि ये इस बात पर भरोसा करते हैं। हम सब अपने ऊपर या तो पॉजिटिवली भरोसा करते हैं या नेगेटिवली भरोसा करते हैं। मैं जब स्कूल कॉलेज में था तो मैं इस चीज़ को मानता था कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं क्लास में टॉप नहीं कर सकता, इसलिए जब मैं मेहनत वेहनत करता था तो कुछ देर के बाद फिर मन में आता था यार कर तो सकता नहीं तो छोड़ो जाने दो। हम लोग अपने बारे में एक स्टोरी बना के रखते हैं, जैसे वैभव ने अपनी स्टोरी बनाई है कि मैं एक अच्छा फिल्म मेकर बन सकता हूँ। शिरीष ने इस बार जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो मुझे लग रहा है, मुझे दिख रहा था कि वो अपनी स्टोरी बदल रहे हैं। इस बार जब शीश ने बुक पढ़ना शुरू किया नानक की, मेरे ख्याल से इनकी लाइफ की पहली बुक है जो उन्होंने खुद से पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी एक नई स्टोरी बनाना शुरू किया कि मैं पढ़ाई को इस्तेमाल करना चाहता हूँ दुनिया को समझने के लिए। गरिमा की स्टोरी मुझे पता नहीं कौन सी, अभी आपके शायद आपके पास कोई स्टोरी नहीं है अपने बारे में, किस चीज़ पर आप अपने ऊपर पॉजिटिवली बिलीव करते हो। अनुज बेचारा गया छुट्टी पर, उसको पैर में चोट लग गई, शायद ज़मीन का रजिस्ट्री का भी काम रहा होगा, छत भी डलवाना होगा, ये सब काम बेचारे ने कितना 9-10 दिन में कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक उसको डर है कि अगर मैं सर से बोलूँगा फ़ोन करके और मैं नहीं आ रहा हूँ ये बोलूँगा तो सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ख़राब लगेगा सर को। इसलिए उसने वही किया जो मैं करता था स्कूल में कि अगर ख़राब नंबर आए तो जाकर चाचा को बोल दिया, चाचा फेल हो गए तो चाचा जाकर के समझा दें पापा मम्मी को और डांट वाट ना पड़े। तो अपने ऊपर एक ये भरोसा कि मेरी बात नहीं सुनेंगे सर। हम लोग अपने मन में ना स्टोरीज़ को चलाते रहते हैं और फेल होने में वही स्टोरीज़ काम करती हैं। जब ये इनका फ़ोन नहीं आया मेरे पास, दिलीप के पास आया, आपके पास आया, तो मेरे दिमाग में भी स्टोरी चलना शुरू हो गई। मेरे दिमाग में स्टोरी चली कि हो सकता है अब ये नहीं आएंगे। मैं एक दिन गया आपके रूम में, इनका दरवाज़ा किवाड़ अगर खोला, देखूँ ब्रश मंजन कपड़े लेते हैं कि गए छुट्टी, राम राम, अगर गए तभी तो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। और मेरे दिमाग में ये भी स्टोरी चली कि अच्छा ठीक है, जब वो अपने आप ही छोड़ के जा रहे हैं तो मैं कौन होता उनको बुलाने वाला, वो अपनी मर्ज़ी से आए थे, अपनी मर्ज़ी से गए। और मैंने अपने दिमाग में ये मान लिया कि एक बहुत अच्छा एम्प्लॉई मेरा जा चुका है। अब जब वापस आ गए मैंने भगवान का लाख लाख शुक्र बनाया कि भैया वापस आ गए। अच्छा, अब सेकेंड बात, वो कौन सी क्वालिटी है जो हमको बहुत आगे बढ़ा सकती है? ये तो मैंने वो बताया जिसकी वजह से आप फेल हो सकते हैं। फेल किससे होते हैं? अपने दिमाग में अपने बारे में जो नेगेटिव स्टोरीज बनाई हैं आपने, और वो हम लोग जब कॉन्शियसली नहीं बनाते हैं तो अनकॉन्शियसली बन जाती है, या तो हम सोच समझ के स्टोरी बनाएं। इसलिए हमेशा अपनी स्टोरीज को पहचानो। मैंने अपनी स्टोरी को पूरी तरह से बदल दिया है।
मैं स्कूल में नॉर्मल बच्चा था, फिर MBBS में भी ओके बच्चा था, फिर जॉब करते करते किसी तरह से जॉब किया, जॉब करते करते अब मेरी स्टोरी बदल गई है। अब मैं आपको अपने आप को मानता हूँ कि मेरा डायरेक्ट डिसाइपल हूँ मैं साईं बाबा का, डायरेक्ट डिसाइपल मैं साईं बाबा का हूँ, मेरे लिए क्या चीज़ मुमकिन नहीं है, हर चीज़ हो सकती है, ऐसा मेरे दिमाग में स्टोरी चल रही है। बट खाली एक चीज़ करनी है, और वो एक क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग बहुत बहुत आगे बढ़ सकते हैं। चलो मैं हिंट देता हूँ, वो चीज़ के बारे में एक चार्ली मंगर बहुत बड़े बिलियनेयर हैं, वारेन बफेट के दोस्त थे। कंपाउंडिंग, वो तो एक तो इंग्लिश का वर्ड है ये। चार्ली मंगर कहते हैं ये चीज़ मैं हम लोग इतना करते हैं, इतना करते हैं कि हमारे बच्चे बोलते हैं तुम लोग और कुछ नहीं हो, बस दो टांग हो ऊपर, ये चीज़ है, तुम इंसान नहीं हो। बुक पढ़ना, बेसिकली लर्निंग के बारे में बोलते हैं। वो कहते हैं कि आदमी का शरीर तो धीरे धीरे 40 साल के बाद से वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अगर कोई योग ध्यान प्राणायाम नहीं करता है तो एक आदमी का जो बचपन से चालू होता है लाइफ 40 साल तक पहुंचती है, तो जो भी नेचुरली उसकी बॉडी में एक यूथ था, जवानी थी, वो पीक पर पहुंच जाती है, उसके बाद वो नीचे की तरफ आता है, और 80 साल तक में आदमी पूरी तरह से बूढ़ा हो जाता है, और 80 से 90 साल तक जो आदमी जीता है वो तो एकदम जर्जर होता है। यही चीज़ 10, 20, 25 साल और बढ़ सकता है अगर आप योग ध्यान प्राणायाम करो, 40 के बजाय 50 साल या 60 साल तक आपका पीक आएगा शरीर का। लेकिन हमारे मन का बुढ़ापा कैसे आता है, हमारा मन कब बूढ़ा होता है, और कौन सी चीज़ है जो उसको लूज़र बना देती है? जो एक चीज़ है जो आपको सुपर सक्सेसफुल बना सकती है वो है लर्निंग, और वो भी कॉन्शियसली लर्निंग, जो आप सीखना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो। और ये चीज़ आपको 10 साल आगे का सोच करके, मुझे 10 साल बाद ये चीज़ होना है, और तब आप सीखना शुरू करो। हम लोग क्या करते हैं, चलो यार मेरे पास जो कुछ भी है वो सीख लो, उसके बाद वहाँ से देखेंगे आगे क्या सीखना है, फिर वहाँ से देखेंगे रास्ता कहाँ जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचता है, मुझे बम्बई जाना है, तो मैं बम्बई डिसाइड करके उसके बाद ट्रेन, बस, टैक्सी या हवाई जहाज़ बुक करता हूँ। ऐसा नहीं करता हूँ यार मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, तो चलो पहले टैक्सी पकड़ते हैं, कहाँ तक टैक्सी जा रही है, ऑटो जा रहा है भैया, ऑटो LRP चौराहा जा रहा है, वहाँ छोड़ दो, वहाँ से दूसरा टैक्सी पकड़ा, तुम कहाँ जा रहे हो भैया, मैं जा रहा हूँ लहरपुर, अच्छा लहरपुर छोड़ दो, और वहाँ से पता चला इलाहाबाद पहुँच गए, बनारस पहुँच गए, पता नहीं कहाँ पहुँच गए। ये नॉर्मल आदमी की हालत होती है, क्योंकि हमारी लर्निंग प्लान नहीं होती। मैंने आज से 4 साल 5 साल पहले जब, हाँ, मैंने और डॉक्टर MP दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग डॉक्टर्स हैं, हमें बिज़नेस नहीं आता, चलो बिज़नेस सीखते हैं। तो हम दोनों गए थे IIM कलकत्ता, दोनों ने ज्वाइन किया MBA, बिज़नेस की पढ़ाई ज्वाइन की। डॉक्टर थे हम लोग, लेकिन हमको बिज़नेस सीखना था, और वहाँ जाकर के मुझे समझ में आया कि वहाँ पर जो बिज़नेस सिखाएंगे वो बहुत कम होगा और प्रैक्टिकल नहीं होगा, एटलीस्ट मेरे लिए नहीं प्रैक्टिकल होगा। तो फिर मैं छोड़ के वापस चला आया। मुझे 10 साल बाद बिज़नेस समझना था, इसलिए मैंने WBX के वीडियोस बनाना शुरू किया। और कल ही हम लोग पढ़ रहे थे स्केल अप में, किसके बारे में, एक बंदा जिसने कि $90 बिलियन की कंपनी बनाई है, जो अमेज़ॉन को टक्कर दे रही है, उसका CEO का नाम क्या था, टोबी लटके। वो बेचारा स्नोबोर्डिंग करता था, मतलब बर्फ़ पे खेल करता था, और हाँ, और प्रोग्रामर था, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर था। बोलते मैंने अपनी कंपनी बनाई जिसमें कि ऑनलाइन हम लोग बर्फ़ के ऊपर खेलने कूदने वाले सामान बेचते थे, लेकिन लोगों ने हमारा सामान खरीदने के बजाय हमारा वेबसाइट बोलना शुरू कर दिया कि हमको बेचो। तब मैंने चेंज किया, अपना वेबसाइट को बना दिया ऐसा कि लोग हमारे से वेबसाइट खरीद सकें। और बोलता है उसके बाद 2 साल तक मैं खोजता रहा CEO, मुझे कोई मिला ही नहीं। तब एक बंदा आया जिसने वेंचर कैपिटलिस्ट था, जिसने हमारे पास पैसा लगाया था, उसने कहा पागल तुम ही खुद CEO बन जाओ। बोलता मुझे CEO बनना आता नहीं था, मैं इंजीनियर था। फिर मैंने क्या किया, कैसे CEO बना, कौन सी बुक याद है, एंडी ग्रूव्स, जो कि बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स के भी पहले एक बंदा था, जिसने कि कौन सी कंपनी बनाई एंडी ग्रूव्स ने, इंटेल वो पहली कंपनी है जिसने पर्दे के पीछे के काम को पर्दे के बाहर निकाल दिया। आप जानते हैं इंटेल का नाम, लैपटॉप का मदरबोर्ड प्रोसेसर वगैरह बनाती है, लेकिन एटलीस्ट आप जानते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड है,
इसके पहले तक जो बड़ी बड़ी कंपनीज कंप्यूटर बनाती थी उनके अंदर कौन सा सामान लगा है किसी को पता नहीं। आज भी हम लोग को मोबाइल के अंदर क्या पार्ट कौन सी कंपनी से बनाया क्या पता, टीवी के अंदर कौन सा पार्ट किससे बनाया क्या पता। आप एसी ले आओ, देखो ये पड़ा है एसी वोल्टास का है, अंदर कौन सा पार्ट कौन बनाया क्या पता। इंटेल ने कहा नहीं, हमको अगर ब्रांड बनना है तो बाहर आना है, और पहला कंपनी था जो पर्दे के अंदर का चीज़ बाहर निकाला। मेरा पॉइंट ये है, जब तक आप कॉन्शियसली अपने आप को सिखाओगे नहीं, और वो भी प्लान करके अगले 10 साल बाद मुझे यहाँ पहुँचना है तो मुझे ये सीखना है। मुझे दो चीज़ सीखना था, एक एनलाइटन होना था और दूसरा मुझे बिज़नेस सीखना था, तो मैंने उसके लिए अभी से प्लान करना शुरू किया, और विद इन 4-5 ईयर्स जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया। इन क्लासेस का महत्व केवल इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर सर खुश हो जाते हैं, आप लोग आकर बैठ जाते हैं, ये क्लासेस आप लोग कोई नहीं रहेंगे तो भी बनेगा क्योंकि मैंने अपना 10 साल का प्लान कर रखा है। अभी आपकी मर्जी है कि आप यहाँ आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, अपने आप को कॉन्शियसली सिखाना चाहते हैं कि नहीं सिखाना चाहते। तो वो एक चीज़ जो आपको सुपर सक्सेसफुल बना सकती है वो क्या है, अपने लाइफ के बारे में डिसाइड करिए कि मेरी ये स्टोरी मैं चाहता हूँ कि आज के 10 साल बाद मैं यहाँ होना चाहता हूँ। कितनी भी कैसी भी स्टोरी हो बट एक पॉजिटिव स्टोरी हो। उसके बाद ये पूछो कि उसमें स्टोरी में जाने के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ सीखनी पड़ेगी, और उसको थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाइए। अभी हमने एक सीरीज़ बनाया है रिस्क के ऊपर, एकदम नया सीरीज़ है। उसमें क्या बताया था हमने कि मनी लाइक इवेंट्स लाइक मनी कंपाउंड, क्या बताया था, इवेंट्स लाइक मनी कंपाउंड, मतलब जो घटनाएं होती हैं पैसे की तरह कंपाउंड करती हैं, एक का दो, दो का चार, चार का आठ होता है। इसलिए एक छोटी सी चीज़ कितनी बड़ी हो सकती है ये आप अभी कल्पना नहीं कर सकते। आप बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, एक एक पेज, एक एक वीडियो, एक एक शब्द। आज जो एक बच्चा बैठा है अनुज नाम का, वो अगले 10 साल में फर्राटे से अंग्रेज़ी बोलेगा, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, अगर रोज़ रोज़ डिसाइड कर ले। आज मैं जो आपके सामने बैठा हुआ हूँ और अंग्रेज़ी पढ़ पाता हूँ, हिंदी पढ़ पाता हूँ, मैं थोड़ा सा फाइनेंस समझ पाता हूँ, मैं हेल्थ के बारे में समझ पाता हूँ, इसलिए बिकॉज थोड़ा थोड़ा रोज़ मैंने अपने आप को सिखाया है। और जो ये चीज़ नहीं करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया का रिचेस्ट मैन, उसका दोस्त चार्ली मंगर बोलता है हम लोग कुछ नहीं करते, बोलते हैं हम लोग अपनी मोटी मोटी ऐस को, मतलब ये जिस उसको बोलते हैं इसके ऊपर आप ऐस को क्या बोलते हैं, हाँ हिंदी में बोलते हैं, हाँ उसको एक उसमें एक बड़ा उसमें बोलते थे, एक आदमी ने चुटकुला बनाया था कि एक काम करिए जो आपका वो है जिस पे आप लैटिन करते हैं उस एरिया को आप तशरीफ बोलिए, तशरीफ। और कोई आदमी आया तो बोले भाई तशरीफ रखिए यहाँ पे, सोफे पे क्या रखते हैं, तशरीफ। बोलता है हम लोग अपनी कुर्सी पे अपनी ऐस को रख लेते हैं और कुछ नहीं करते, बस पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं दिन भर में, और कुछ नहीं करते, वाली किताब पढ़ते हैं, कंपनीज़ के प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ते रहते हैं, अलग अलग कंपनीज़ हमारे पास आती हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, खाली पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और ये पढ़ाई वो पढ़ाई नहीं कि पढ़ करके इम्तिहान देना है, ये पढ़ाई सचमुच की पढ़ाई है। क्योंकि असली इम्तिहान क्या है, जब आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हो, जैसे डॉक्टर की पढ़ाई, अगर मैंने दवाई का नाम पढ़ लिया, बीमारी का नाम पढ़ लिया, उसके बाद मुझे दवाई देना पड़ेगा, मरीज़ को चेक करना पड़ेगा वो ठीक हुआ कि नहीं, तो असली पढ़ाई वो है जो खाली स्कूल का प्रोजेक्ट नहीं है, इम्तिहान का मार्क्स नहीं है, वो रियल पढ़ाई है। जिस आदमी को ये समझ में आ जाता है वो रोज़ कुछ न कुछ सीखता है। तो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस क्या है, लर्निंग, डेली लर्निंग। अगर आप कुछ रोज़ सीख नहीं रहे हो तो आप रोज़ अपने आप को ख़त्म कर रहे हो, बिकॉज ब्रेन बॉडी की तरह नहीं होता, यहाँ से फिर यहाँ, ब्रेन अगर चाहे, माइंड अगर चाहे तो एक्सपैंड होते जाएगा। बुढ़ापे में भी कृष्णमूर्ति का माइंड एकदम अलर्ट था, कृष्ण का माइंड एकदम अलर्ट था, वो बॉडी में नहीं थे, वो लर्न करते थे, सीखते थे। तो कुछ भी करिए, सीखना मत छोड़िए।